क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही ना दे? मिस्टर इंडिया को मिली हरी झंडी। क्यों मिस्टर इंडिया इतने सालों बाद फिर से है बज में? क्या अनिल कपूर होंगे इस फिल्म में? एंकर मंगीशा, राइटर जया भारद्वाज। 1987 में रिलीज हुई वन ऑफ द क्लासिक कल्ट मूवी ऑफ मिस्टर इंडिया बॉलीवुड के बज का कारण है। जब आज के समय में भी इंडियन सिनेमा स्काई फाई और सुपर हीरो जैसे सब्जेक्ट्स पर फिल्में बनाने के लिए मशक्कत किए जा रही है, 1987 में ही शेखर कपूर की स्काई फाई फिल्म ने इंडियन सिनेमा को एक क्लासिक कल्ट फिल्म दे डाली, जो आज भी लोगों के बीच उसी एंथुजियाज्म से देखती जाती है। मिस्टर इंडिया की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। अरुण वर्मा, जो कि फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहा है, उसे एक जादुई घड़ी मिलती है जिससे कि वो गायब हो सकता है। इस जादुई घड़ी का इस्तेमाल अरुण मोगैम्बो, जो कि एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है और अपनी साख इंडिया में फैलाकर इंडिया पर कब्जा करना चाहता है, उसे रोकता है। इस फिल्म में ड्रामा है, इमोशन है, एक्शन है और सबसे बेहतरीन एक फ्रेश स्टोरी लाइन। स्काईफाई और फिक्शनल स्टोरीज सभी को पसंद आती है। काश की कोई पावर मिल जाए तो झट से हमारा होमवर्क बन जाए। काश कोई जादू हाथ लग जाए और मेरा क्रश मुझे ही प्रपोज करके जाए, या फिर कोई ऐसा जादू हो जाए कि मेरा प्रमोशन हो जाए। ऐसे कई सारे सपने आपने भी देखे होंगे और जब ये इमेजिनेशन हमें बड़े पर्दे पर कहानी के रूप में दिखती है तो एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और आपके एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए हम आपको इस फिल्म से जुड़ी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। 2011 में मिस्टर इंडिया के सीक्वल यानी मिस्टर इंडिया 2 के बनने की खबरें सामने उभर कर आई थी, पर फिर किन्हीं वजहों से ये फिल्म शेल्व कर दी गई। पर अब खबरें आ रही है कि शेखर कपूर इस फिल्म को लाने की पूरी तैयारी में हैं। आखिर सब जानना चाहते हैं कि क्या हुआ उस जादुई घड़ी का? क्या उसके बाद अरुण कभी घड़ी का इस्तेमाल करने की नहीं सोची? और क्या हुआ ऑर्फनेज के उन बच्चों का और कैलेंडर का? ये सब पता चलेगा हमें मिस्टर इंडिया 2 में। यानी कि हमें इस फिल्म में अनिल कपूर भी दिखेंगे और ऑर्फनेज के बड़े हो चुके बच्चे भी। क्या होगी इस फिल्म की फ्यूचर कास्ट? आप किन एक्टर्स को देखना चाहेंगे फिल्म में अनिल कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करके? अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज़।